क्योंकि हमने आपको बताया कि राशि अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कान्हा को किस प्रकार का आपको भोग लगाना है, किस तरह आज पूजन अर्चन आपको करना है ताकि आपको मिले भरपूर आशीर्वाद। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करते हैं और क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र, महाभोग आपके लिए, ये जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, भगवान हमारे हृदय के भाव से प्रसन्न होते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप चाहे जिस राशि के जातक हैं, भाव की बड़ी प्रधानता है। वस्तु हो सकता है आपके पास कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है उपचार कम हो सकता है उपचार ज़्यादा हो। आप इसके लिए ना तो दुखी हों और ना तो अपने को मतलब कि नीचा महसूस करें। आपका भाव उत्तम होना चाहिए। आप अपने हृदय रूपी कमल पर भगवान श्री कृष्ण का आवाहन कीजिए कि प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान रहिए, ये भाव होना चाहिए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप विधिवत पुरुष सूक्त के मंत्रों से भगवान का अभिषेक करिएगा आज रात्रि 12 बजे के बाद, और खूब विधि विधान से जितना भी आपसे बन पड़े पूजा करिएगा, कपूर से आरती करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अविरल मंत्र जप करिएगा। अगर आपने 40 मिनट आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर लिया 12:01 से 12:41 तक, पक्का मानिए आपकी अधोगति नहीं हो सकती है। जन्माष्टमी का शुभ भोग जो है माखन, मिश्री, अनार और तुलसी का पत्ता, ये भी आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए कि मैं प्रभु आपको कुछ अर्पित करने लायक नहीं हूँ, आप जगत के नियंता हैं, ये तो मेरी भावना है और इसको आप स्वीकार करिएगा। बस यही प्रार्थना मन से होनी चाहिए और पूजा के समाप्ति पर एक बार पंचांग, साष्टांग, दंडवत प्रणाम जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, वृषभ राशि, क्योंकि कृष्ण जी की राशि भी वृषभ राशि ही है, उनको आज के लिए क्या खास उपाय, क्या खास महामंत्र? वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग भी लीला बिहारी हैं, लीला बिहारी की राशि है, कुछ तो गुण आप लोगों के अंदर होगा, तो ऐसे में आज आप भगवान श्री कृष्ण का बढ़िया अभिषेक करिएगा, ढंग से पूजा करिएगा और उनको खूब बढ़िया मोरपंख की माला चढ़ाइएगा। पुरुष सूक्त हर समय, अगर आपको बोलना नहीं आता है अपने YouTube में लगा दीजिए, 12:01 से 12:40 तक हर समय पुरुष सूक्त का मंत्र चलता रहे। ओम सहस्र शिरसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमि गंग सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष यहवेद सर्व यद्भूतम यच्च भाव्य उतामृत शेषानो जदनैन्नातिरोहति। कितना आसान हो गया है आज विज्ञान के युग में कि आप अपने मोबाइल के सहारे से उस पवित्र मंत्र का उच्चारण हर समय वातावरण में करवा सकते हैं, जिसका मतलब कि बहुत आसानी से ब्राह्मण नहीं मिलते जिसका उच्चारण करने के लिए। और ओम गोविंदाय नमः हर समय मंत्र जप करते रहिए। रसगुल्ला, पंजीरी, मखाना, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग लगाइए, भक्तों में, श्रद्धालुओं में उसका वितरण करिए और खूब प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव है। इसमें आप पूरे परिवार के साथ तन्मय होकर के जन्मोत्सव मनाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप मित्र राशि के जातक और जानना चाहते हैं कि कैसे आज कृष्ण पूजा आप करें कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर, तो पंडित जी महा उपाय, महामंत्र क्या है मिथुन राशि वालों के लिए और महाभोग भी? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा और हर राशि के लोगों को, भगवान के जन्मोत्सव के बाद उनका अभिषेक जरूर करें। अभिषेक करने के लिए पुरुष सूक्त चालू करके और उनका दूध से, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें और खूब बढ़िया उनको स्वच्छ जल से अभिषेक करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करवा करके मोर मुकुट लगा करके और खूब बढ़िया भोग प्रसाद जो आपके पास उपलब्ध है समर्पित करके एक पान का बीड़ा भी चढ़ाएं, कपूर से नंदलाल की आरती करें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जितना हो सके अनवरत जप करें। पंचमेवा, खोआ, काजू, केला, पंजीरी, हलवा, भोग, ये सब सामग्रियां उनके भोग में अर्पित करें और बाद में उसे श्रद्धालुओं में बांट दें, वो अमृत रूप होगा और इससे निश्चित रूप से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए अब कृष्ण जन्माष्टमी पर महा उपाय आपके लिए कौन सा है, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी बता दीजिए। देखिए,
कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप जन्माष्टमी पर खूब बढ़िया प्रभु का अभिषेक करिएगा, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जन्मोत्सव मनाइएगा और खूब बढ़िया उन्हें एक बढ़िया सी चांदी की बांसुरी चढ़ाइएगा और उसके बाद में मोर मुकुट जरूर पहनाइएगा, नवीन वस्त्र पहनाइएगा, पालने में उनको बैठाइएगा और उसके बाद में जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसका आप भोग लगाइएगा, माखन मिश्री जो भी आपके पास हो, और हर समय पूजा करते हुए आपके मुंह में एक शब्द चलना चाहिए, यस्य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, क्या मंत्र चलना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र हर समय आपके मुंह में चलता रहना चाहिए और पानी वाला नारियल माखन मिश्री ये सब उनको भोग सामग्री में अर्पित करिएगा और एक पान का पत्ता अर्पित करिएगा, कपूर से आरती करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज सिंह राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी पर महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, अब चलिए आपके लिए भी हम जान लेते हैं विस्तार से, पंडित जी बताएं। सभी सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार जन्मोत्सव मनाओ भाई, मेरी बात मत सुनना कि मैं दो बात बता रहा हूं तो इतना करके आप पीछे हट जाना, जितना आपकी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुरूप आप जन्मोत्सव मनाना और भगवान का अभिषेक गाय के दूध से जरूर करना, दक्षिणावर्ती शंख से और शुद्ध जल से अभिषेक करके उन्हें सुंदर वस्त्र पहना करके मोर पंख का मुकुट लगा करके खूब बढ़िया सेवा कर दीजिएगा और जितनी बढ़िया आप सेवा करेंगे, जितना बढ़िया भोग प्रसाद आप उन्हें अर्पित करेंगे उतना ही ज्यादा मतलब कि जो है आपके लिए हर प्रकार से कल्याण का मार्ग शुरू होगा। आपको चाहिए पेड़ा, गुड़, खीरा, मूंग की दाल और पंजीरी, इनका आप भोग लगाइए और इन सब भोगों के बाद आपको चाहिए ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का आप जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों की बात, कान्हा की कृपा पाने के लिए आज कन्या राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, आप क्या लगाएं कृष्ण जी को? पंडित जी, खूब बढ़िया अच्छे से भगवान की सेवा करिए, उनका अभिषेक करिए, उनका श्रृंगार करिए और अच्युताष्टक जो मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही पढ़ के सुनाया, इस अच्युताष्टक को भी आप, अगर आपकी किताब आपके पास नहीं है तो अच्युताष्टकम भी आप लिखेंगे तो ये भी यूट्यूब में बजेगा, अच्युताष्टक का पाठ बजाइए, दूध घी से कृष्ण भगवान का अभिषेक करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जितना कर सकिए जप करिए, माखन मिश्री नाशपाती इलायची हरा पान लौंग इन सब चीजों का भोग लगाइए, निश्चित रूप से आप अपनी शरणागति उनके श्री चरणों में कीजिए, वो आपको संभाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के जातकों के लिए जानते हैं आज क्या है आपके लिए खास उपाय, महामंत्र और महाभोग भी। पंडित जी, तुला राशि के जातकों को भी सब राशि वालों की तरह ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाना चाहिए, उनका बढ़िया से अभिषेक करना चाहिए, राजोपचार पूजन करना चाहिए, तुलसी के पत्तों की माला उन्हें चढ़ानी चाहिए, ओम माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए, गेहूं के आटे की पंजीरी, पान का पत्ता ये सब उन्हें अर्पित करना चाहिए और हो सके तो बहुत अच्छे ढंग से उनकी आरती का गायन करना चाहिए, हो सके तो कीर्तन भजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बता दीजिए आज के लिए महामंत्र महाभोग किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सब राशि वालों की तरह आप भी बढ़िया से अभिषेक करिए, दक्षिणावर्ती शंख से, दूध से, जल से, दही से, घी से, शहद से और खूब बढ़िया कृष्ण भगवान का श्रृंगार करने के बाद एक चांदी की बांसुरी उनके हाथ में समर्पित करके बांसुरी लड्डू गोपाल को चढ़ाएं। जन्माष्टमी का शुभ मंत्र है आपके लिए ओम केशवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें, रेवड़ी, पानी वाला नारियल, केसर का भोग ये सब भगवान को समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों की बात कर लेते हैं, क्या है कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके लिए महा उपाय, महामंत्र और महाभोग भी। पंडित जी, खूब बढ़िया से आप धनु राशि के जातक लड्डू गोपाल की सेवा करिएगा, जन्मोत्सव मनाइएगा आज और उनका खूब बढ़िया अभिषेक करिएगा, अभिषेक करने के बाद खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइएगा अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, मोर मुकुट पहनाइएगा
और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का अविरल जप करिएगा। पंचमेवा, मूंग के आटे की पंजीरी का भोग लगाइएगा, एक पान का पत्ता चढ़ाइएगा, कपूर से आरती करिएगा, प्रसाद भक्तों में वितरित कीजिएगा और हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए जल्दी से अगर आप हैं मकर राशि के जातक तो मकर राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी मकर राशि वालों को क्या बताएंगे? मकर राशि के जातकों को भी चाहिए कि विधि पूर्वक अभिषेक करें दक्षिणावर्ती शंख से। अभिषेक करने के बाद सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते रहें और उन्हें अच्छे अच्छे चीज़ों का भोग प्रसाद चढ़ाएं, जैसे गुलाब जामुन, रसीले फल, माखन मिश्री, तुलसी का पत्ता, ये सब भगवान को समर्पित करें और अपना हृदय भगवान को समर्पित कर दें। हृदय में भगवान और भगवान के श्री चरणों में अपना हृदय और पूर्ण शरणागति ले लें। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप संभालिए, बस। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज कुंभ राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग कुंभ राशि के जातकों के लिए? पंडित जी, आज पवित्र पर्व है जन्माष्टमी का, जन्मोत्सव मनाइए। लड्डू गोपाल को खूब बढ़िया विधिवत उनका राजोपचार पूजन करिए, अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, खूब सुंदर वस्त्र धारण कराइए, खूब श्रृंगार करिए और जितना हो सके कपूर से आरती करके ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का अनवरत जप करिए। पीला फल, माखन मिश्री, चीकू, ये सब भोग सामग्री में अर्पित कीजिए और पूरे हृदय से अपने मन को उनके श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि के जातकों के लिए भी क्या है कृष्ण जन्माष्टमी पर महा उपाय, पंडित जी आखिरी राशि? मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हर समय उल्लासित होकर के आज पूरे दिन उल्लास में रह करके आप इनका जन्मदिन मनाएं भगवान का, और पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हर समय मन में चलता रहे। दही, केला, जलेबी, मिश्री, जो भी वस्तु आपको मिल सकती है उन सब का भोग लगाइए और पान का पत्ता चढ़ाइए, कपूर से आरती करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत जानकारी, इतने विशेष दिन पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप सबको कृष्ण कृपा प्राप्त हो यही कामना, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।